नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अब यूएई और चीन के जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं उसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया। संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों से, जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका काफी टेंशन में है। अब अमेरिका को खाड़ी देश का अपना सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन चीन नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यही कारण है कि जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद यूएई के साथ F-35 लड़ाकू विमान की डील को रद्द कर दिया था। अमेरिका को ये डर है कि कहीं चीन को दुनिया के सबसे अत्याधुनिक विमान F-35 की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, डिटेल है, वो चीन को ना मिल जाए। इसी साल अप्रैल में अमेरिका और यूएई F-35 डील पर फिर से विचार करने पर सहमत हुए थे। हालांकि पेंटागन ने साफ साफ कहा कि अगर डील फाइनल हो जाती है तब भी यूएई को अगले कई सालों तक विमान नहीं सौंपा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका यूएई और चीन के बढ़ते रक्षा संबंधों के कारण सख्त कदम उठाने को मजबूर हुआ है। अभी हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है, जिसमें अमेरिका के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच बढ़ते संबंधों के कारण अबू धाबी को $23 अरब की हथियार खरीद की बिक्री खतरे में पड़ सकती है। इसमें ये भी बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यूएई और चीन के बीच कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट का पता लगाया है, जिससे अमेरिका को ये पता लगा है कि पिछले कुछ महीनों में चीनी पीपुल लिबरेशन आर्मी के कई विमान यूएई के एक हवाई अड्डे पर भी उतरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाइडन प्रशासन यूएई के साथ इस बात की गारंटी मांग रहा है कि अगर बिक्री आगे बढ़ती है तो वो चीन को अमेरिकी हथियारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका जानता है कि अगर यूएई को F-35 जैसा दुनिया का सबसे अत्याधुनिक विमान बेचा गया तो चीन जरूर इस तकनीक और प्रौद्योगिकी को हथियाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर चीन इसमें सफल रहा तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अमेरिका और यूएई के बीच F-35 लड़ाकू विमान की डील पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी साल में हुई थी। यूएई को अपने देश की सुरक्षा के लिए इस लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है। ऐसे में ट्रंप ने मौका देखते हुए इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की शर्त रखी थी, जिसके बाद इसराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए, जिसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया जाता है। अमेरिका में बना F-35 विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है। अमेरिकी एयरफोर्स का F-35 लड़ाकू विमान का वजन 25 टन के आसपास है और इस प्लेन को बनाने का कार्यक्रम अमेरिकी एयरफोर्स की पुराने पड़ते F-16 के सैकड़ों विमानों को रिप्लेस करने का है, जिसका काम शुरू हो चुका है। इंजन सहित एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीबन 100 से 110 मिलियन डॉलर है। भारतीय रुपयों में कहा जाए तो इसकी कीमत करीबन 700 से 900 करोड़ के आसपास आएगी। हालांकि इतना महंगा होने के कारण F-35 लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव भी काफी महंगा है। इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जिन्हें एक निश्चित उड़ान के घंटों के बाद बदलने की जरूरत होती है, जिसके कारण एयरफोर्स का अधिकांश बजट इसकी मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। यानी कि अब असली कारण पता चल चुका है कि अमेरिका ने F-35 की डील यूएई के साथ रद्द क्यों की, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगा लिया कि यार ये चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी के कई विमान यहाँ पर उतर रहे हैं, बातचीत चल रही है और दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो ये शक बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि किसी भी तरीके से कोशिश में लगा हुआ है चीन की वो F-35 की तकनीक हासिल कर ले। यानी कि अब अमेरिका को फर्क नज़र आने लग गया है कि कौन उसके दोस्त हैं और कौन उसके दुश्मन हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है F-35 डील रद्द होने का क्या ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है या फिर कोई और? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।